गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का एक टॉपिक करेंगे, वेराइंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल कैसे होता है, ठीक है, जो अलग अलग उनका जो जीवन जीने का जो तरीका होता है वो किस तरह होता है, इस वीडियो में उसी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि जो एनिमल किंगडम होता है ना, उसमें जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, दीज आर मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड माइक्रोबस, ठीक है। ये जो जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फिशेज होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, माइक्रोबस होते हैं, दे डिफर इन साइज एंड मैनी अदर फीचर। कहते हैं कि जो उनका जो साइज होता है और उनके अदर फीचर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड। कहते हैं कि जो एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं, लैंड के ऊपर, इन वाटर एंड आल्सो इन एयर, पानी के अंदर भी और हवा के ऊपर भी, ठीक है, हवा में भी। दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के एनिमल्स में रहते हैं, जैसे ये कैमल्स हैं, ये रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है, भालू हो गए, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अपना जो लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फीडिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो फीडिंग कैसे होता है, ठीक है, ऑल एनिमल्स नीड फीड टू ग्रो। कहता है कि सभी जानवरों को क्या होता है, भोजन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और अलग अलग तरह के काम करने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के एनिमल्स क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। कहते हैं कि जो उनका जो माउथ पार्ट्स है ना, वो क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होता है जैसा वो भोजन खाते हैं, ठीक है। ऐसे ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज जो अब अगर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के थ्री टाइप्स होते हैं मेन, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। सबसे पहले हर्बीवोर्स पढ़ेंगे जो होते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस, जिराफ एंड गोट्स ईट ग्रीन प्लांट्स। कहते हैं कि एनिमल्स जैसे काउ हो गया, हॉर्सेस हो गया, जिराफ और गोट्स हो गया, ये क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कहते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, शाकाहारी। दे हैव शार्प फ्रंट टिथ फॉर बीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टिथ टू चोइंग, ठीक है। तो कहते हैं कि उनके जो शार्प टिथ होते हैं, जो फ्रंट टिथ होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, बाइटिंग, जो काटने के लिए, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टिथ टू चोइंग, ठीक है, और चबाने के लिए। कहते हैं कि जो उनके जो पिछले जो टिथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे ये हिरन आ गया, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोर्स, शाकाहारी है। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, मांसाहारी, जो कहते हैं कि मांस खाते हैं, ठीक है। टाइगर्स, लायंस एंड कैट्स फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर कार्निवोर्स। उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड टिथ फॉर टियरिंग द फ्लैश। कहते हैं कि जो उनके जो कहते हैं कि जो टिथ होते हैं, वो कहते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं, ठीक है, फॉर टीयरिंग द फ्लैश, उस मांस को फाड़ चीरने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये टाइगर है, ठीक है, ये क्या है, मांसाहारी है, कार्निवोर्स है। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, एनिमल्स लाइक जैकल, बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे जैकल हो गया, बियर हो गया और क्रो हो गया, वो क्या करते हैं कि फ्लैश भी खा सकते हैं और प्लांट्स भी खा सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, इसीलिए इन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है, सर्वाहारी कहते हैं, जैसे सर्वाहारी जो हर तरह का भोजन खा लेती हैं। जैसे ये वियर है, ठीक है, ये घास खा रहे हैं, ये मांस भी खा लेते हैं। नेक्स्ट इज ये जैकल है, ठीक है, घास भी खा लेती है और मांस भी खा लेते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स। कहते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं, वो किस कारण उनके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक
ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे जनरली मूव करते हैं कि वो एनिमल्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं जनरली, फर्स्टली टू गेट फूड एंड वाटर, पहले वो क्या करते हैं मतलब क्या करने के लिए, पानी और भोजन के लिए, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज, कहते हैं कि दुश्मनों से आप खुद को और तो अपने बच्चों को सही करने के लिए, बचाने के लिए सॉरी। नेक्स्ट इज द टू बिल्ड देयर होम्स फॉर रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग, कहते हैं कि अपना घर बनाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए और रेस्टिंग के लिए, ठीक है, एक सेफ हाउस बनाने के लिए। ऐसे ये एनिमल्स हैं कुछ, ठीक है, एनिमल्स कोई भी हो वो क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सम रेप्टाइल्स हैव लिम्स वाइल अदर डू नॉट हैव लिम्स, कहते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स के लिम्स होते हैं, लिम्स क्या होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, परंतु अदर्स डू नॉट हैव लिम्स, परंतु कुछ के क्या होते हैं कि लिम्स नहीं होते। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, कहते हैं कि जैसे लिजार्ड होगी, हमारे छिपकली होगी, टर्टल्स हो गए, कछुए हो गए, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हो गए, ठीक हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, कहते हैं कि उनके दो जोड़े कहते हैं कि लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, बट स्टिल दे क्रॉल ऑन ग्राउंड, कहते हैं कि फिर भी वो क्या करते हैं कि रेंगते हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। दे यूज द लिम्स वेन देर टू लिफ्ट देयर बॉडी अबोव द ग्राउंड, कहते हैं कि वो लिम्स का तब प्रयोग करते हैं जब वो अपनी बॉडी को कह रहे हैं कि ग्राउंड से ऊपर उठाना होता है उन्हें, ठीक है। जैसे ये आ गए रेप्टाइल्स, ठीक है, जो जमीन के ऊपर पेट के बल चलने वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जिनके जो लिम्स होते हैं वो उनको उनका प्रयोग तब करते हैं जब उन्हें जमीन के ऊपर से उठना हो, जैसे ये देखो ये उठे हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, दीज आर रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, इंसेक्ट्स के क्या होता है कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तीन जोड़ी लेग्स होते हैं, मैनी ऑफ देम हैव टू और वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन एडिशन टू दीज, कहते हैं कि कुछ के इनके क्या होता है कि एक और दो जोड़ियाँ क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, पर होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, बीटल्स एंड एंट्स क्रॉल ऑन देयर लेग्स, कहते हैं कि वो क्या करते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, बीटल्स होते हैं और एंट्स होती हैं, वो क्या करते हैं कि अपन क्रॉल करते रहते हैं, वो रेंगते हैं, ठीक है, अपने पैरों के बल, ठीक है। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज हैड हनी एंड हनी बीज हैव विंग्स टू फ्लाई, कहते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हमारी बटरफ्लाइज होगी, हाउस फ्लाइज होगी एंड हनी बीज हैव विंग्स टू फ्लाई, कहते हैं कि उनके क्या होता है कि पंख होते हैं उड़ने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या कि विंग्स होगी सॉरी फ्लाई होगी, ठीक है, हाउस फ्लाई जो हनी बीज है शायद हनी बीज, ठीक है। ये देखो ये अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं जो पानी में रहते हैं, यू मस्ट हैव सीन फिश मूविंग अबाउट इन वाटर, कहता है कि आपने कभी एक फिश देखी होगी वो क्या करते हैं पानी के अंदर मूविंग कर रही होती है। द फिशेज हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर, कहता है कि फिशेज के होते क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, पर होते हैं, ठीक है, एक पर की तरह होते हैं जो क्या करते हैं उसके स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। अ टर्टल्स एंड ए टॉर्टोइज कैन आल्सो स्विम, कहते हैं कि एक टर्टल होता है, कछुआ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, और टॉर्टोइज होता है, वो क्या करते हैं कि आल्सो स्विम कर सकते हैं। दे हैव फोर पैडल्स लाइक लिम्स टू पुश वाटर, कहते हैं कि उनके भी क्या क्या होता है कि पैडल्स होते हैं फोर, जैसे हम लिम्स होते हैं ना कि एनिमल्स के, तो उनके क्या होते हैं पैडल्स होते हैं पानी में तैरने के लिए। दीज आर वाटर एनिमल्स, ठीक है, डॉल्फिन, कैटफिश, ठीक है, सी हॉर्स, स्टारफिश, क्रैब, भेल, प्रॉन, टर्टल्स, ऑक्टोपस, ये दीज आर वाटर एनिमल्स। नेक्स्ट इज माइग्रेशन अमंग एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर माइग्रेशन कैसे होती है, माइग्रेशन का मतलब कि वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्यों होती है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एट ए पार्टिकुलर टाइम इज नाउन एज माइग्रेशन, कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, के एक स्थान से
दूसरी, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक विशेष टाइम के ऊपर, इज नाउन एज माइग्रेशन। जिसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन होता है मतलब क्या है कि एक विशेष समय में कहता है कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि अपना उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट इन ऑर्डर टू, वो किस तरीके से माइग्रेट करते हैं, किसके लिए करते हैं, ठीक है। एनिम अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन की, जब उनको लगता है कि जो वेदर कंडीशन है उनके फेवर में नहीं है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि माइग्रेशन कर जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और भोजन की तलाश में, रीच देयर सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, कहते हैं कि सेफ ब्रीडिंग प्लेस पे पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं कि जो माइग्रेशन करना है। ब्रीडिंग क्या होता है कि बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, तो दीज आर माइग्रेशन, ठीक है। जैसे ये कुछ जानवर हैं, ठीक है, ये बर्ड्स हैं, ये टर्टल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये भी कुछ जानवर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। वेराइंग लाइफ स्टाइल ऑफ अदर्स, थैंक यू।